वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। एक आईटी इंजीनियर लड़की सूरत में ओवर ब्रिज के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों को अक्षर का ज्ञान देती है। एक शिक्षाविद, स्कूलों में नया सत्र शुरू होते ही सभी के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में दाखिला ले रहे। फिर सड़क पर या ओवर ब्रिज के नीचे रहने वाले गरीब बच्चों को साक्षरता ज्ञान कहां से होगा? ऐसा एक सवाल जवाब में एक आईटी इंजीनियर लड़की ने शिक्षा सेवा शुरू की। पिछले 2 वर्षों में गरीब बच्चों को साक्षरता को लेकर के स्कूली गतिविधियां सिखा रही जानवी भुआ, उसका नाम है, कहते हैं शिक्षा का अधिकार सभी को है। बच्चों को कुछ सिखाकर मुझे संतुष्टि मिलती है, बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वो एक आईटी इंजीनियर है। मोटा मराचा स्थित स्काईलाइन बिल्डिंग में रहने वाली जानवी भुआ को गरीब बच्चों की चिंता है, उनसे प्यार है। 2 साल पहले कुछ करने का ख्याल उनके मन में आया तो उन्होंने गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जानवी ने सरथाना चकातनाका में तक्षशिला बिल्डिंग के सामने सड़क पर रहने वाले सभी लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की ख्वाहिश हुई। इस मंशा से चलाई गई यह अभियान कि सबको शिक्षा मिले, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। जानवी बताती हैं कि वह शुरुआत में पहले शर्मिली थी और बच्चों के माता पिता को कहने के लिए थोड़ा साहस जुटा नहीं पाती थी। धीरे धीरे उन्होंने 10-12 बच्चों से शुरुआत की। अब वे मुझे परेशान भी नहीं करते, ऐसा इनका कहना है। जिस दिन से वे पढ़ा रही हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने कुछ किया है। अगले दिन एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेती हैं। एक दिन नहीं जाओगे तो दूसरे दिन बच्चों से सवाल जवाब भी करते हैं। इस सवाल के जवाब में अगर जानवी को और ब्रिज के नीचे दैनिक ज्ञान संग्रह में कभी कभी ब्रेक मिलता है तो क्या होता है? उसने कहा, अमुक बच्चे पिछले 2 वर्षों से लगातार पढ़ रहे हैं, तुरंत सवाल करते हैं कि आप क्यों नहीं आए। तब मुझे और ताकत मिलती है, मुझे यह काम करते रहना चाहिए। जब मुझे विदेश जाना होगा तो मैं यह जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूंगी, ऐसा उनका ख्याल है। बच्चों के लिए स्कूल या छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। ओवरब्रिज के नीचे स्कूली वाहनों के बच्चों के आवाजाही में एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है। वे प्रार्थना शुरू करते हैं, दैनिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ करने के बाद उन्हें पढ़ाया जाता है। साक्षरता जारी है, खेल खेलते और गाना गाते और अंत में राष्ट्रगान के साथ महसूस करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे नागरिक बने, एक साथ कक्षा पूरी करें, लोग सहयोग करें। जानवी ने कहा कि इस क्लास में लोग मेरा समर्थन भी करते हैं, सड़क के निकले हुए कुछ लोग मदद भी करते हैं। कुछ किताबें नहीं दी जाती हैं तो एक पेंसिल एक नोटबुक भी दे जाते हैं जिससे लोग मदद कर सकें। इन बच्चों को दिन में सिर्फ 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक बिना तनाव वाली शिक्षा दी जाती है। बच्चों के माता पिता की आंखों में भी संतुष्टि और कृतज्ञता के भाव दिखाई देते हैं। સહકાર બહુ સારો એવો છે, જે લોકો અહીંયાથી પસાર થાય છે વ્યક્તિઓ અમને ચોપડા પેન્સિલ ને એ બધી વસ્તુ અમને અહીંથી પ્રોવાઈડ કરી આપે છે એ લોકો। જ્યાં સુધી અમારાથી શક્ય હશે ત્યાં સુધી અમે આ કાર્ય કરીશું, અને જ્યારે અમારાથી શક્ય નહીં હોય ત્યારે એમના માટે અમે કોઈક શાળા અથવા તો હોસ્ટેલનું કંઈક ને કંઈક કરીશું જેથી એ બાળકો આગળ આવે। કેટલા સમય આવે છે? એકલા ને એવું ભણે મજા આવે છે? હા।